और अब महादेव सट्टा एफ की जांच में सेबी की एंट्री हो चुकी है। ईडी और ईओडब्ल्यू तो पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा था। दरअसल ईडी की जांच सट्टे की काली कमाई को शेयर बाजार में लगाने का खुलासा इसमें हुआ था कि शेयर बाजार में 1,000 करोड़ से ज्यादा की रकम लगाई गई है और इसी खुलासे के बाद सेबी मामले की जांच अब करेगी। महादेव सट्टा एफ में अब सेबी जांच पड़ताल करेगी। तो बता दें सेबी की एंट्री हो चुकी है। ईडी और ईओडब्ल्यू पहले से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई, कई सारे खुलासे भी हुए और अब इसके बाद सेबी की एंट्री हो चुकी है। सेबी अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। महादेव सट्टा ऐप बड़ा ऐप, बड़ी कार्रवाई इस पर की गई और कई सारे खुलासे हुए इस मामले में। लगातार जिस तरह से ईडी और ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच कर रही थी, अब जो है ईडी की जांच जो हुई और सट्टे की काली कमाई ये कहा गया कि शेयर बाजार में लगाई गई, ये खुलासा हुआ। उसके बाद अब सेबी के हाथ में ये पूरा मामला गया है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ईडी और ईओडब्ल्यू तो पहले से ही इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, महादेव सट्टा ऐप मामले में, अब सेबी की एंट्री हो चुकी है, किस तरह से आगे जांच पड़ताल? जी देखिए, जो महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमोटर हैं रवि उप्पल, शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, इन सभी ने अपनी काली कमाई को अलग अलग जगहों पर लगाने का जो काम है किया है। बहुत सारी प्रॉपर्टियां भी खरीदी गई है। ऐसे जो एसीबी ईओडब्ल्यू के जांच के साथ साथ जो ईडी की जांच है उस पर ही ये खुलासा हुआ है। अब सेबी की एंट्री से साफ जाहिर होता है कि 1,000 करोड़ के लगभग जो निवेश हैं वो किए गए हैं। तो ऐसे में अब जो सेबी इस मामले की जांच करेगी कि आखिर शेयर मार्केट में कब लगाया गया, किस तरह से लगाया गया है, क्या ये रकम और भी अधिक हो सकती है। और महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमोटर हैं वो अलग अलग माध्यमों से इस तरह से प्रॉपर्टी, काली कमाई को प्रॉपर्टी बनाने का काम करते थे और अपनी इस तरह के अवैध कमाई को एक नंबर बनाने का प्रयास करते थे। चूंकि ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है तो अब सेबी की एंट्री के बाद ये तय है कि आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी जो टेंटेटिव जो जानकारी मिली है ऋतु, कि इसमें लगभग 1,000 करोड़ के जो निवेश है वो किए गए हैं, तो हो सकता है जब इसकी विस्तृत जांच हो तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हैं वो हो सकते हैं। और इससे साफ जाहिर है कि अवैध रूप से कमाए गए का जो पैसे हैं उसको ये किस तरह से एक नंबर बना करके शो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्थानीय की, सभी इस तरह से काम करते हैं और एक से खुलासा कर रहे हैं इस मसले पर। अब एसीबी ईओडब्ल्यू पृथक से जांच कर रही है, ईडी ने भी गिरफ्तार की है ऐसे जो सट्टेबाज हैं, ऐसे जो महादेव सट्टा के संचालक हैं और अभी भी उनके जो पैनल संचालक हैं उनकी गिरफ्तारियां एक एक करके समय समय पर होती रही है। जी। युगल, कुल मिलाकर यह माना जाए कि अब सेबी की एंट्री हो चुकी है तो जल्द से जल्द और बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल आप इस पर नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी जुड़ेंगे और भी खबरों पर। खबर रायपुर से है जहां महादेव सट्टा के जाल में फंसकर एक कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है। कारोबारी संदीप बग्गा ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें महादेव सट्टा के पैनल ऑपरेटर नीतीश मित्तल से लेनदेन का जिक्र है। तो वहीं पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया है। तो बड़ी जानकारी इस मामले में आपको दे रहे हैं, सुसाइड किया गया है। महादेव सट्टा के जाल में फंसकर एक कारोबारी ने अपनी जान गवा दी, खुद ही जान दे दी और कई सारे संगीन आरोप भी लगाए गए हैं, सुसाइड नोट भी मिला है। उसने एक नोट लिखा है जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति है नीतीश मित्तल करके, जो जिसको उन्होंने 13 से 15 लाख रुपए दिए थे। जब वो मांगने लगा तो उसने गाली गलौज करके उसको बहुत प्रताड़ित किया, ऐसा उन्होंने लिखा है। इस पर से 306 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था जहां पर उनकी मृत्यु हुई है, पीएम कराया गया है, उसके बाद 306 का मुकदमा। और हमारे साथ सहयोगी युगल लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, महादेव सट्टा ऐप मामले में कारोबारी ने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, ऑपरेटर पर संगीन आरोप उसके द्वारा लगाए गए हैं। आखिर इस मामले में जांच पड़ताल कहां तक पहुंची, कोई गिरफ्तारी या कुछ पुलिस के द्वारा कहा गया हो, अभी तक स्टेटमेंट आया हो? जी देखिए,
जी देखिए ऋतु, जो सुसाइड नोट होता है उसे पुख्ता एविडेंस माना जाता है, और जिस तरह से संदीप बग्गा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है साफ तौर पर नीतीश पर, जो मित्तल पर, उस पर संगीन आरोप लगाए हैं। मोटी रकम उसने दी थी, 10 लाख रुपए से अधिक की राशि उसने दी है, और महादेव सट्टा से जुड़ा हुआ एक जो आरोपी है, कारोबारी है, और उस पर धारा 306 के तहत सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जब उसने जहर खुरानी की, उसके बाद उसका अस्पताल में उपचार चल रहा था, तो इस दौरान वैसी एक प्रक्रियाएं होती है कि जिसमें मरणासन कथन लिया जाता है, इस तरह के जो पॉइजनिंग के केस होते हैं या सुसाइडल जो मामले होते हैं उसमें जो है नायब तहसीलदार या पुलिस के अधिकारियों के सामने, डॉक्टर के सामने मौजूदगी में इस तरह से बयान लिए जाते हैं, तो ले पाए हैं या फिर नहीं, या फिर उनसे अस्पताल पहुँचते ही मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात तय है, महादेव सट्टा ऐप एक तरफ घर को बर्बाद तो कर रहे हैं, अब लोगों की जान भी ले रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात कही जा सकती है। और इस मामले पर अब चूंकि धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला जो दर्ज किया गया है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि महादेव सट्टा ऐप के जो पैनल संचालक है उसकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। जी ठीक 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 युगल, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। और एक और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें, शोएब ढेबर को ईओडब्ल्यू ने तलब किया है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है, बता दें आरोपी अनवर ढेबर का बेटा है शोएब। दोपहर 12 बजे से ही ढेबर से पूछताछ जारी है, और आखिर क्या पूछताछ अभी तक की गई इस बारे में भी जानकारी सहयोगी से लेंगे। पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं कि शराब घोटाले का पूरा मामला है, और इस मामले में शोएब ढेबर को ईओडब्ल्यू ने तलब किया है, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है, और 12 बजे से ही ये पूछताछ जारी है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए होंगे। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, पर फिर भी यही उम्मीद है कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए होंगे। और छत्तीसगढ़ के टॉपर्स का सम्मान होगा, 10वीं और 12वीं बोर्ड के टॉपर्स का सम्मान किया जाएगा। बता दें छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग जो है सम्मानित करेगा बच्चों को, मेधावी छात्रों को श्रम विभाग 2-2 लाख रुपए देगा। मेरिट लिस्ट में आने वाले 10 बच्चों का सम्मान होगा, श्रम विभाग ने मेधावी छात्रों की सूची जारी की है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दावा किया है कि 4 जून के बाद कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी, प्रदेश की सभी 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि आखिर कहां जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के लोगों की भावनाओं से विपरीत के खिलाफ काम किया, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार के हित के लिए काम किया, ऐसी पार्टी को समाप्त होना ही था। देखिए कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है, जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। 4 जून के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे कि है कहां कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति की है देश की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के विपरीत, देश के लोगों के भावनाओं के विपरीत, और केवल एक परिवार के हित संरक्षण के लिए राजनीति की, ऐसी पार्टी को समाप्त होना ही था। जब जनता के प्रति आपकी जवाबदेही समाप्त हो जाए, जनता के प्रति आप अपनी जवाबदेही को भूल जाए, तो ऐसी पार्टी समाप्त होने ही वाली है। और उधर अरुण साव के बयान पर कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम अरुण साव मुगालते में है, बीजेपी नेता धरातल पर रहकर बात करें। महादेव ऐप पर डहरिया ने कहा कि महादेव ऐप पर कांग्रेस सरकार ने एफआईआर कराई थी, केंद्र ने इसे बंद क्यों नहीं कराया। अरुण साव जी मुगालते में है और सत्ता के दम पे चुनाव लड़ने वाले लोग इस तरह का नरगल बातें करते हैं तो वो शोभा नहीं देता। धरातल में रहे और इस बार देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव जिस तरह था, लोकसभा का चुनाव उसके विपरीत हुआ है, और इस बार हमारी अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी।
खबर बीजापुर से है, जहां पुलिस ने सर्चिंग के दौरान पीडिया के जंगल से 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए हैं। तो लाल आतंक पर यह प्रहार, साफ तौर से सर्चिंग के दौरान 14 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। पीडिया के जंगल से इनकी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। सर्चिंग के दौरान बड़ी संख्या में यह नक्सलियों की गिरफ्तारी, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल है। लाल आतंक पर प्रहार लगातार जवानों के द्वारा किया जा रहा है, बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है या उनकी गिरफ्तारी हो रही है। यहाँ ये भी तस्वीरें हमने देखी कि उनके द्वारा आत्मसमर्पण भी किया जा रहा है। तो नक्सल का खात्मा करने के लिए पूरी तरह से जवान तैयार है और खात्मा लगातार हो भी रहा है। कांकेर से बड़ी खबर है, पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। गढ़चिरौली के गट्टा गांव के पास मुठभेड़ होना बताई जा रही है। तो कांकेर का हम जिक्र कर रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ यहां पर हुई। महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। गढ़चिरौली के गट्टा गांव के पास मुठभेड़ हुई है। बीजापुर पीडिया जंगल में हुए मुठभेड़ पर सवाल अब उठने लगे हैं। सर्व आदिवासी इसका सच जानने के लिए मौके पर जाएगी। सर्व आदिवासी समाज के 10 सदस्यों की टीम 16 मई को ग्राउंड जीरो पर जाएगी और इस बात की जानकारी पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने दी है। लखमा के मुताबिक मुठभेड़ की जानकारी लेने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अर्धसैनिक बल ने, पुलिस ने दावा किया कर रहा है कि हम लोग माओवादी को मारे हैं। अभी मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच से निकल कर आ रहा है कि गांव वाले तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को मारने का खबर आ रहा है। इसलिए समाज के तरफ से हमारा पार्टी प्रदेश स्तर से भी जांच दल भेज रहा है। हम लोग सुकमा से, बीजापुर से, दंतेवाड़ा से, जगदलपुर से समाज स्तर में भी पीड़िया जाएंगे 16 तारीख को। तो वहीं दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरकार के घर वापस आई अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने यह फैसला किया, पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सरकार के घर वापस आई अभियान से प्रभावित हुए और इन्होंने ये फैसला किया। पुलिस के सामने इनके द्वारा समर्पण भी किया गया, आत्मसमर्पण इनके द्वारा किया गया। अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा टोन वराटो अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा जिले में 2 नक्सल सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें बेचापाल पंचायत डीए के में सदस्य मोतीराम कुंजाम और बेचापाल पंचायत सीएनएम सदस्य राजेश ओयाम शामिल हैं। उक्त माओवादियों का आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ 231वीं वाहिनी